नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म बॉब बिस्वास मूवी के ओटीटी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म बॉब बिस्वास मूवी अपने आज ही दिन कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है, और साथ ही साथ बॉब बिस्वास मूवी को क्या रिएक्शन दिया पब्लिक ने। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म बॉब बिस्वास मूवी की। तो आप लोगों को बताइए चले कि अभिषेक बच्चन की ये दूसरी फिल्म है जिस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। और दोस्तों आप लोग बताइए चले कि पहली फिल्म थी अभिषेक बच्चन की बिग बुल। दोस्तों बॉब बिस्वास मूवी को जो कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला पब्लिक की तरफ से, और ऑडियंस ने इस फिल्म को बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से रेटिंग भी दी है। दोस्तों वहीं क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छा खासा सराहा है और इस फिल्म की बहुत ही ज्यादा तारीफ करी है, और इस फिल्म को अच्छे खासे रिव्यू भी दिए हैं। आप लोगों को बताइए चले कि बॉब बिस्वास मूवी का रन टाइम है 2 घंटे 11 मिनट का। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अभिषेक बच्चन ने बॉब बिस्वास मूवी में बॉब बिस्वास का कैरेक्टर निभाने के लिए 15 किलो का वजन भी बढ़ाया था। अभिषेक बच्चन की फिल्म बॉब बिस्वास मूवी को जो कि डायरेक्ट किया है दिया अन्नपूर्णा घोष ने, और वहीं इस फिल्म की कहानी को लिखा है उनके पिता सुजाय घोष ने। आप लोगों को बताया चले कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं। और वहीं दोस्तों बॉब बिस्वास मूवी की जो कि कहानी का कैरेक्टर है, 2012 में आई कहानी मूवी जो कि उसमें एक बॉब बिस्वास का छोटा सा कैरेक्टर है उसी के ऊपर लिखा गया ही पूरी की पूरी मूवी बॉब बिस्वास। और उस कैरेक्टर को निभाने के लिए अभिषेक बच्चन ने 15 किलो का वजन भी बढ़ाया, और साथ ही साथ उस कैरेक्टर को बहुत ही बखूबी से निभाया। आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म में आप लोगों को बंगाली भाषा में डायलॉग भी सुनने को मिलेंगे, और वहीं अभिषेक बच्चन ने गजब की जो कि डायलॉग भी बोले हैं बॉब बिस्वास मूवी में जो कि बंगाली भाषा में। दोस्तों वहीं आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म में जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद नजर आई हैं चित्रांगदा सिंह, जो कि अभिषेक बच्चन के साथ पहली बार काम कर रही हैं, और साथ ही साथ इन्होंने पहली बार स्क्रीन शेयर करा है, और वहीं ये लंबे समय से गायब थी। फाइनली दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि बॉब बिस्वास मूवी से जोरदार और धमाकेदार तरीके से इन्होंने एंट्री फिर से ले ली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म बॉब बिस्वास मूवी के जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को बताया चले कि बॉब बिस्वास मूवी का जो कि कलेक्शन था बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार। और दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि 5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वहीं दूसरे दिन की बात करें तो इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 4 करोड़ और वहीं तीसरे दिन 6 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली। दोस्तों यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म ने टोटल जो कि ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का भी आंकड़ा पार कर दिया। दोस्तों आज की बात करें तो आज के दिन यह फिल्म जोरदार और धमाकेदार तरीके से कलेक्शन कर रही है, और अपने आज के दिन कम से कम दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि 2 से 3 लाख का कारोबार कर रही है। दोस्तों अगर आप लोगों ने बॉब बिस्वास मूवी देखी है तो आप लोगों को बॉब बिस्वास मूवी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे अगर आप लोग नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस और वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।